मैं अंकिता प्रिया आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू, अभी हम लोग पढ़ेंगे जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक को हमने दो भाग में बांटा है, जाइलम और फ्लोएम। पिछले क्लास में मैंने ये भी बताया था कि हर चीज़ को बांटने का कोई ना कोई बेसिस होता है, कोई ना कोई आधार होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को इनके फंक्शन के आधार पे दो भाग में बांटा गया, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, देखते हैं कि जाइलम का फंक्शन क्या होता है आगे और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है वो आगे देखेंगे। तो पहले बात करते कि होता कहाँ है प्लांट्स में, पेड़ पौधों के जड़ में, तना में और पत्ती में। ठीक है, जाइलम कहाँ कहाँ होता है, पौधों की जड़ों में, तना में और पत्तियों में। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है जिसके आधार पे इन लोगों को दो इनको दो भाग में बांटा गया, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, जड़ से जल का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुँचाना है, क्योंकि वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। कहाँ, किसके द्वारा, जाइलम द्वारा जड़ से जल का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुँचाना है। यहाँ पर याद रखने का एक ट्रिक मैंने क्लास में बताती हूँ, जैसे जड़, जैसे जल, जैसे जाइलम। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे कि ये तीनों मृत कोशिकाएं होती है, तो इसको जला हुआ, जला जैसे जला, यानी कि ये तीनों क्या होता है, मृत कोशिकाओं से बना होता है। जैसे जड़, जैसे जल, जैसे जाइलम, जड़ क्या करता है, जल को अवशोषित करता है, जड़ से जाइलम द्वारा ये पहुंचता है कहाँ, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जाइलम किस किस चीज़ से बना होता है, ये चार तरह की कोशिकाओं से बना होता है, जाइलम ट्रैकिड्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं वाहिनिकाएँ, जाइलम ट्रैकिया, जाइलम वाहिका, जाइलम फाइबर, जाइलम तंतु, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम मृदु उत्तक। ये क्या होता है, जाइलम ट्रैकिड्स क्या होता है, ये लंबा होता है। ठीक है, दोनों सिरों पे नुकीला होता है, ये मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो भाई मृत कोशिकाओं से बना होता है तो जीव द्रव्य भी नहीं होगा। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जल से जल का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुँचाना। ठीक है, नेक्स्ट है जाइलम ट्रैकिया, ये भी लंबा होता है लेकिन ये चपटा या नुकीला नहीं होता है। ठीक है, नलिका के आकार का होता है, ऐसे जिसका दोनों सिरा ऐसा होता है। ठीक है, नलिका के लंबा होता है, नलिका के आकार का होता है, मृत कोशिकाओं से बना होता है, मृत कोशिकाओं से बना हुआ तो जीव द्रव्य भी नहीं होगा। इसका भी मुख्य कार्य होता है जल को ऊपर की ओर ले जाना। ठीक है, जाइलम फाइबर, ये भी लंबी होती है, यह कोनिकल शेप की होती है। ठीक है, कोनिकल सेट का होता है, लंबा होता है, शंकुकाकार होता है, मृत कोशिकाओं से बना होता है। यह इसका मुख्य कार्य होता है पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, ये चूंकि पैरेन्काइमल नेचर का है इसलिए ये लिविंग होता है, जिंदा कोशिकाओं से बना होता है, जिंदा कोशिका जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका है तो इसमें जीव द्रव्य भी होगा। ठीक है, और जीव द्रव्य भी होगा और इसका मुख्य कार्य इसका भी होता है जड़ से जलों का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुँचाना। तो इन चारों को मिलाकर के क्या बनता है, जाइलम बनता है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, जड़ द्वारा जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाना। पत्तियों तक क्यों, क्योंकि वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, भोज्य पदार्थ बनते हैं। और पौधों को दूसरा का मुख्य कार्य है पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। ठीक है, तो जाइलम में बस इतना ही है, बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।